में मैं आपके साथ चंदा यादव। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लखनऊ के सभी पार्टी के लिए प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी होने के साथ ही टिकट को लेकर चल रहा अफवाह अब समाप्त हो चुका। अब नामांकन की तैयारी है। पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन के लिए अलग अलग दिन भी चुन लिए हैं। शनिवार को कई प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले की जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब सोमवार को चार बसपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजधानी की उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी मोहम्मद सरवर मलिक, पूर्वी विधानसभा प्रत्याशी आशीष कुमार सिन्हा, कैन विधानसभा प्रत्याशी अनिल पांडे, सरोजनी नगर से प्रत्याशी मोहम्मद जलीश खां सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं शेष प्रत्याशियों की ओर से मंगलवार और बुधवार को नामांकन किए जाने की बात कही गई है। कैन विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी अनिल पांडे ने शनिवार को क्षेत्र में जनसंपर्क किया। पार्टी प्रत्याशी ने इस दौरान लखनऊ बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट उमाशंकर श्रीवास्तव, वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी वाल्मीकि, कुलदीप पांडे, विकास कुमार श्रीवास्तव, योगेंद्र नाथ श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव से मिलकर पार्टी के पक्ष में वोट मांगा। उत्तर विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सरवर मलिक ने खदरा, मक्कागंज, इरादत नगर, दीनदयाल नगर, पक्कापुर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। पार्टी प्रत्याशी ने क्षेत्रीय लोगों से संपर्क कर पार्टी की नीतियों को बताया और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस तरह बीकेटी में सलाउद्दीन, मलिहाबाद में जगदीश रावत, सरोजनी नगर में जलीश खान, लखनऊ पश्चिम कायम रजा खान, लखनऊ पूर्व में आशीष कुमार सिन्हा, मध्य में आशीष चंद्र श्रीवास्तव, मोहना लालगंज में देवेंद्र कुमार ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान पार्टी के नगर अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव सक्रिय दिखे। फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खबरों को लाइक करें। साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।